जय माँ दुर्गा। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि का प्रथम दिन है आज। प्रतिपदा है माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और आज घट स्थापना भी होने वाली है, कलश स्थापना करेंगे। तो आज का ये वीडियो राशिफल का बहुत खास होने वाला है। आप सभी का मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस दैनिक राशिफल के वीडियो में जो है माँ दुर्गा के बारे में बहुत सारी खास बातें करेंगे। प्रथम दिन है, कैसे कलश स्थापना करते हैं, कैसे माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे, जो है क्या क्या खास बातें होंगी ये राशिफल के साथ साथ मैं आपको आज जानकारी दूंगी। कौन से रंग का आज इस्तेमाल करना है, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो पहले हम करते हैं जो है माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले घट स्थापना होती है। नवरात्रि में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना का विशेष महत्व है। सामान्य रूप से इसे नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है। घट स्थापना के दिन से ही नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है। नवरात्रों में मतलब चैत्र और शारदीय दो होते हैं, तो ये शारदीय नवरात्रि है। मैं आपकी जानकारी के लिए, जिन लोगों को नहीं पता है हिंदी माह के नाम, जिन्हें नहीं पता है, उनके लिए बता दूं कि ये शारदीय नवरात्रि है। शारदीय नवरात्रि में प्रतिपदा यानी प्रथमा जो है प्रथमा तिथि को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश को भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है और किसी पूजा के लिए सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। घट स्थापना के नियम क्या हैं? तो दिन के एक तिहाई हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया जरूर संपन्न कर लें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त को सबसे अच्छा माना गया है, तो अभिजीत मुहूर्त में आप भी आपको वीडियो में बताऊंगी। घट स्थापना के लिए अगर शुभ नक्षत्रों की बात करें तो पुष्या, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, हस्ता, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, मूल, श्रवण, धनिष्ठा और पुनर्वसु, ये नक्षत्र है शुभ नक्षत्र। आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है, जिनकी भक्तगण नवरात्रि पर्व में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों को समर्पित होते हैं और इस पावन पर्व के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। देवी शैलपुत्री की पूजा से पहले जरूर घट स्थापना कर लीजिए आप, उसके बाद ही देवी शैलपुत्री की पूजा कीजिए। अगर इनके हम स्वरूप की बात करें तो माथे पर अर्धचंद्र होता है, दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल, नंदी बैल की सवारी करती हैं माँ शैलपुत्री। और अगर आपको एक और खास बताऊं, ज्योतिष से माँ शैलपुत्री के अगर हम कनेक्शन की बात करें तो ज्योतिषी के अनुसार जो है माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं, इसीलिए उनकी उपासना से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जिन लोगों की राशि पर या जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा दूषित है, खास तौर पर माँ शैलपुत्री की पूजा करें, मन की शांति होगी। चंद्रमा मन का कारक है, तो आप मन की शांति के लिए जरूर जो है, और बाकी सारी चीजें अगर चंद्रमा से अच्छे फल चाहिए तो आप माँ शैलपुत्री की आज पूजा जरूर करें। आगे बहुत सारे चीजें हम खास बातें करने वाले हैं शैलपुत्री माता के बारे में, घट स्थापना के बारे में, शुभ मुहूर्त कौन सा है घट स्थापना का, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचांग, जो स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। सारे महत्वपूर्ण मुहूर्त जो है आपको स्क्रीन पर आज दिखेंगी। तारीख है 7, दिन है गुरुवार, माह है अश्विन, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो है प्रतिपदा, नक्षत्र है चित्रा, चंद्रदेव आज कन्या राशि में रहेंगे। दिशा शूल की बात करें तो है दक्षिण दिशा। चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दिन में 11:45 से 12:32 तक शुभ मुहूर्त है। राहुकाल की बात की जाए तो दोपहर में 1:36 से शाम के 3:04 तक राहुकाल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 6:16 पे, तो सूर्यास्त शाम को 6 बजे। ये पूरी पंचांग की जानकारी आप जानिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, तो घट स्थापना आप कर सकते हैं प्रातः 6:16 से 10:11 तक, अवधि है 3:54 की। इस मुहूर्त में जरूर घट स्थापना कर लीजिए। दोस्तों, अगर नवरात्रि जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत सतर्कता के साथ करते हैं। इसमें रंगों का भी बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के समय हर दिन का एक रंग तय होता है। मान्यता है कि इन रंगों का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो आज के दिन आपको पीले रंग का इस्तेमाल करना है। हर दिन मैं आपको बताऊंगी, द्वितीया जब तृतीया चतुर्थी, हर दिन बताऊंगी कि कौन कौन से रंगों का आपको इस्तेमाल करना है। तो प्रतिपदा है आज, तो पीले रंग का जरूर आप इस्तेमाल कीजिएगा, पीले रंग को पहनिएगा, आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी चित्रा नक्षत्र की। जो चित्रा नक्षत्र बहुत ही चमकदार तारा है, जिसे विश्वकर्मा या ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। भचक्र में मध्य भाग में होने से इसे संतुलन नक्षत्र कहा जाता है। चित्रा शब्द चित्र से बना है, जिसका अर्थ है उज्ज्वल, रुचिकर, आश्चर्यजनक और अद्भुत। चित्रा का एक अर्थ चित्त भी है। चित्रा शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष, ज्ञात, विचार, चिंतन, संकल्प, इच्छा, अभिलाषा में किया जाता है। चित्रा नक्षत्र के देवता विश्वकर्मा जी हैं।
चित्रा नक्षत्र कन्या राशि और तुला राशि के मध्य का सेतु है, इसीलिए जिन लोगों की कन्या या तुला राशि होगी उनका चित्रा नक्षत्र हो सकता है। तो ये चित्रा नक्षत्र के बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दे दी। बाकी आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो ये नवरात्रि विशेष वीडियो में पहले हम आपको जो है राशिफल बताते हैं, उसके बाद हम आपको वीडियो के आखिर में बहुत सारी खास बातें बताने वाले हैं, बहुत सारी खास चीजें बताने वाले हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है, तो अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पास बहुत डिटेल्स नहीं है, मैं क्या करूं, तो आप कर सकते हैं कि आप अपनी नाम राशि के आधार पर ये राशिफल देख सकते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं, पहले राशिफल बताते हैं, उसके बाद घट स्थापना और शैलपुत्री माता के बारे में और भी बहुत सारी खास बातें हम वीडियो के आखिर में करेंगे। तो जल्दी से जानते हैं आज का राशिफल। बात करें मेष राशि के जातकों की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा व्यतीत होने वाला है। आज आप स्वयं के अंदर एक अलग सी रूमानियत का अनुभव करेंगे। परिवार का कोई सदस्य आज आपके लिए कोई खास तोहफा ला सकता है। पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। भविष्य के लिए अगर कोई निवेश करते हैं तो उससे समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में जो है वृद्धि होने वाला रहेगा ये। और आज के दिन आपको निवेश करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और दूरगामी परिणाम या प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए निवेश करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही बात करें पैसों की, तो आज के दिन अगर आप निवेश करते हैं तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फैमिली लाइफ के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है। गृह कलेश की संभावनाएं दिख रही हैं, मन उदास रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो प्यार के मामले में आज आपका दिन शानदार रहेगा और आपका प्रियतम पूरी तरह से आपका ध्यान रखेगा। जो लोग जॉब करते हैं आज कार्य क्षेत्र में कामकाज के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वहीं जो लोग इस राशि के बिजनेसमैन हैं आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। जो मैरिड लोग हैं आज खुशी की लहर दौड़ेगी आपके जीवन में, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में नजदीकी का एहसास करेंगे। छात्रों के लिए आज के दिन कोई गुड न्यूज मिल सकता है उनको, जो प्रयास आप कर रहे थे वो सफल हो जाएगा। वहीं गृहिणियों को किसी भी बात को कहने से पहले आज जरूर सोचने की जरूरत है, यही आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक एक है, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर किसी गरीब को जरूर आज एक वक्त का भोजन करा दीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। सेहत के हिसाब से आज का दिन अनुकूल है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पैसों की बात कर लेते हैं तो आज के दिन आर्थिक जीवन में तरक्की पाने के लिए आपको बहुत सारे विचार आएंगे और इसका फायदा भी उठाएंगे। फैमिली में शांति का अनुभव करेंगे आप, अच्छा दिन है। भाई बहनों को आर्थिक मदद की दरकार हो सकती है, ऐसी स्थिति में उनकी मदद जरूर कीजिए। लव लाइफ की बात करें तो आज अपने लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपने पार्टनर को कोई जो है गिफ्ट दीजिए। जॉब करने वाले लोग हैं आज के दिन आप जो भी काम करेंगे आज वो फायदे का सौदा होगा आपके लिए। जो बिजनेसमैन लोग हैं आज व्यापार को बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस राशि के जो मैरिड लोग हैं उनकी बात कर ली जाए तो आज के दिन जो है आपको जीवन साथी पर बहुत प्यार आएगा और उनके साथ अधिक समय बिताने का मौका मिल सकता है। छात्रों के लिए आज जो है आज के दिन अपने दोस्तों रिश्तेदारों का साथ शिक्षा के क्षेत्र में मिल सकता है। वहीं जो गृहिणियां हैं किसी सहेली या मायके किसी करीबी शख्स से मिलकर आज के दिन जो है अच्छा बना सकती हैं अपने दिन को। शुभ अंक जान लेते हैं आपके लिए, वह है 9। शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर किसी भी धार्मिक कार्य में जरूर सहयोग करें, आज नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। आज आपका मन अध्यात्म और धर्म की ओर लगेगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, इसकी वजह से सेहत को बल मिलेगा। बात करें पैसों की तो आज के दिन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन आर्थिक चुनौतियों से आपकी क्रिएटिव सोचने की शक्ति भी खराब होगी। फैमिली में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ सोचने की जो है आपकी दोनों की आप लोगों की समझ वो और टकराएगी और आपस में समस्या का कारण बनेगी। जो लोग प्रेम जीवन में है यानी जो प्रेमी है इस राशि के, आज आपका पार्टनर आपको व्यर्थ ही मक्खन लगाने की कोशिश करेगा। झूठ सच में परख करना सीखिए। जो लोग इस राशि के जॉब करते हैं आज आप अच्छा काम करेंगे, लेकिन काम में आ रही बाधाओं से आप थोड़े हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। जो इस राशि के व्यापारी हैं आज अपने निवेश के स्रोत को बढ़ाने और आय के नए जरिए तलाशने की आपको जरूरत होगी। अब बात करें मैरिड लोगों की, तो वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके इस राशि के जातक आज अपने साथी की बातों से आनंदित हो सकते हैं। वहीं जो हमारे छात्र हैं इस राशि के, आज अगर हम आपकी बात कर लें तो आज के दिन आपको पढ़ाई में आनंद आएगा, लेकिन साथ ही आप अपने सहपाठियों के साथ मौज मस्ती करने का भी मन कर सकता है। गृहिणियों की आज वो इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रही थी। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर किसी गरीब स्त्री को आज कपड़े खाने की चीज दान में दीजिए, इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा, हालांकि थोड़े अगर बदलाव कर लेते हैं तो अच्छे रिजल्ट भी दिखने आज से ही शुरू हो जाएंगे। पैसों के लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, कहीं किसी को उधार दिया था तो वो पैसा वापस मिल जाएगा और जिससे आपके बहुत सारे खर्चों का निपटारा हो जाएगा। घर परिवार में तनाव की स्थिति देखनी पड़ सकती है।
कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसकी वजह से फैमिली मेंबर्स आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। पैसों की बात हो गई, फैमिली की बात हो गई, अब बारी प्यार की। तो प्यार की गहराई का लुत्फ उठाने वाले हैं आज के दिन। जो है थोड़ी चुप्पी रखिएगा अपने रिश्ते में, तब देखिएगा प्यार का एक अलग ही एहसास आप पे छा जाएगा। जो हमारी इस राशि के व्यापारी हैं, आज आपको मेरी सलाह है कि काम को थोड़ा अलग रखकर आज आप आराम भी जरूर कीजिए। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो आज अपनी बातों से अपने जूनियर्स को आप जो है आकर्षित कर सकते हैं। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज का दिन सुहावना रहने की उम्मीद है। मन में छुपी बातों को आप अपने जीवन साथी से शेयर कर सकते हैं। वहीं छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन पढ़ाई में मन कम और कहीं और ज्यादा लग सकता है। वहीं गृहिणियां आज अपने पसंदीदा कामों को करके दिन बिताएंगी। शुभ अंक दो है, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। और उपाय के तौर पर आज के दिन रोगियों की सहायता करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। आज के दिन हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं तो आराम जरूर कीजिएगा, शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी। आर्थिक पक्ष पर नजर डालें तो दिन जो है अच्छे संकेत दे रहा है। पैसों के मामले में आज कोई कठिनाई सामने नहीं आएगी। फैमिली लाइफ की बात करें तो घर परिवार में किसी संबंधी के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं आपकी बोली की वजह से। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ जो है डिस्टर्बेंस हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेमियों की बात की जाए, लवर्स की, तो आज के दिन मैसेज करने से बचिएगा। जी हाँ, लिखित कोई संदेश नहीं भेजना है आज आपको। जो लोग जॉब करते हैं आज बहुत खास महसूस करेंगे। इस राशि के जो लोग व्यापारी हैं आज के दिन क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए। जो मैरिड लोग हैं आज अपने मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने संबंधियों की बातों को लेकर जीवन साथी को जज ना करें। इस राशि के हम बात करें अगर छात्रों की, स्टूडेंट्स की, तो आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा और अपने जो है मनोभाव पर भी कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। गृहिणियों की बात की जाए तो आज जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे या कुछ खाने की सामग्री जरूर दान में दीजिए, इससे पारिवारिक सुख बढ़ेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतर है, इसीलिए खुद को शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे और धन को इतनी अहमियत ना दें कि उससे आपके रिश्ते खराब हो जाएं। यानी कि हेल्थ अच्छी है, पैसों पे आ गए हैं, तो पैसों के मामले में ये करना है कि ज्यादा पैसों को लेकर हाई पैसा नहीं करना है। थोड़ा आपको रिलैक्स रहना है तो सब कुछ स्मूथ चलेगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो भाई बहनों की कोई बात आपको बुरी लग सकती है और आपकी चुप्पी आपको कई विपरीत परिस्थितियों से बचा लेगी, तो आज के दिन गुस्से पर काबू रखिएगा। प्रेम जीवन की बात की जाए तो थोड़ा संभलकर कदम रखिएगा, रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करें तो आज के दिन जो है आप कुछ खास काम करके अपने जो है आपकी जॉब लाइन को अच्छा बना सकते हैं। वहीं जो व्यापारी हैं आज के दिन कोई आपको अच्छे सजेशंस दे सकता है। मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी आपकी काफी मदद करेगा। हालांकि अगर आपसे आपका लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर नाराज है तो उन्हें मनाइए, उन्हें मनाने की आज कोशिश कीजिए, नहीं तो ये छोटी सी बात बहुत बड़ी हो सकती है और आने वाला समय आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खास रहेगा। वहीं जो इस राशि की गृहिणियां हैं उनकी बात करें तो आज घर के छोटे सदस्यों का जरूर ख्याल रखिए, उनको कोई उनको हेल्थ उनकी परेशानी में आ सकती है। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, आज के दिन आपको सुबह सुबह जो है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। सेहत के लिए आज का दिन अधिक अनुकूल नहीं है, सेहत का ध्यान रखिएगा। बात करें पारिवारिक जीवन की तो माता पिता आज आपकी किसी बात चीज में मदद कर सकते हैं। वहीं आज आर्थिक जीवन में अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। बात करें इस राशि के लोगों के प्रेम जीवन की तो जो उथल पुथल चल रही है आपके लाइफ लव पार्टनर के साथ आपकी, वो आज ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में फिर से हल्की फुल्की तकरार हो सकती है। जॉब करने वालों की बात की जाए तो आज खुद को बॉस की नजरों में अच्छा दिखाने की कोशिश करते आप नजर आएंगे। वहीं जो कारोबारी हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले किसी एक्सपीरियंस्ड की राय जरूर लीजिए। मैरिड लोगों की बात की जाए तो उतार चढ़ाव वाला दिन है, घर में बिन बुलाए मेहमान आ सकते हैं। वहीं जिस राशि के छात्र हैं आज के दिन किसी विषय को समझने में दिक्कत आ सकती है। गृहिणियों के लिए दिन का अंतिम भाग काफी अच्छा रह सकता है, आज आपको अपने मायके से कोई खुशखबरी मिल सकती है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर आज किसी कुत्ते को रोटी खिलाइए। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आज मानसिक शांति का एहसास होगा। अगर कोई बीमारी, जैसे आपको फील हो रहा था कि कोई बीमारी आपको लगी हुई है, या आप कुछ जो भी आप फील कर रहे थे, अपने डर रहे थे अपने स्वास्थ्य को लेकर, आज वो डर दूर हो जाएगा। कहीं से धन मिलने की भी संभावना है। फैमिली लाइफ के लिए दिन अच्छा है, पूरा दिन परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।
प्रेम जीवन की बात की जाए तो आज के दिन जो है आपके लव लाइफ में, आज कह सकते हैं लव पार्टनर में कोई सच्चा दोस्त नजर आएगा, दिल खोलकर आप उनसे आज बात करेंगे। जॉब में अच्छा काम कर पाएंगे, इससे सीनियर्स आपकी काबिलियत की तारीफ करेंगे। वहीं व्यापार में थोड़ा सोच समझ कर चलिएगा, किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले उसे पढ़ जरूर लीजिएगा। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो आज का दिन अच्छा है आपके लिए, आज आपका जीवन साथी आपके किसी फैसले को सराह सकता है। बात करें हमारे इस राशि के छात्रों की तो आज के दिन जब भी किसी शख्स से मिले तो उनसे कुछ ज्ञान भरी बातें लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज अनजान लोग आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। गृहिणियों की बात करें तो आज घर में किसी से विवाद हो सकता है, हालांकि गलती का एहसास होने पर आप माफी भी मांग लेंगी। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। और उपाय के तौर पर आज घर से निकलने से पहले हरी इलायची खाकर निकलिए, लव लाइफ के लिए शुभ है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। आज के दिन थकान तनाव की स्थिति से निजात मिल सकती है। बात करें पैसों की तो आज धन के मामलों को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा, धन अधिक खर्च होने की संभावना है। फैमिली में आज सोच समझ कर संयम से आपको रहना पड़ेगा, जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलिएगा। वहीं प्रेमी की बात की जाए, प्रेमियों की बात की जाए, लवर्स की, तो बिना बोले आज पार्टनर आपकी बातों को समझेगा। जो कारोबारी हैं इस राशि के, आज अपने कारोबार को फैलाने के बारे में आपको विचार करना चाहिए। वही जो नौकरी पेशा जातक हैं आज पूरी जोर शोर से कार्यस्थल पर काम करेंगे, और आज का दिन आपका जो है कर्म भाव सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से किसी भी काम को करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। मैरिड लोगों की बात की जाए तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप महसूस करेंगे कि आप नियमित जिंदगी में, वैवाहिक जीवन के अंदर आपकी जो है प्यार बहुत जरूरी है, आपको प्यार वो मिलेगा भी, यानी आज अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। ज्यादा अगर हम डीपली ना जाने तो आपका बहुत अच्छा दिन बीतेगा। बात करें इस राशि के छात्रों की तो पढ़ाई में आनंद आएगा, कोई नया इंसान आपके जीवन में आज एंट्री ले सकता है, वो चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे टीचर हो, कोई भी। आज इस राशि की जो गृहिणियां हैं वो अपने कोई राज की बात किसी के साथ शेयर कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जिस पे डाउट हो उसके साथ मत कीजिए, यानी आज के दिन थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है आपको, आज के दिन धार्मिक चीजों में मन लगाइए, जो है किसी की निंदा मत कीजिए, किसी को इंसल्ट मत कीजिए, हिंसा से बचिए, ये आर्थिक स्थिति के लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। हेल्थ को दुरुस्त बनाए रखने के लिए दिन की शुरुआत आज योग से करें, अध्यात्म को खुद से जोड़ें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पैसों की बात की जाए तो आज के दिन निवेश कर सकते हैं, और निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा है, आज खुद से ज्यादा परिवार के लोगों को आप अहमियत देंगे। लव लाइफ में भी दिन अच्छा गुजरने वाला है। वहीं जॉब के सिलसिले में, आप काम काज के सिलसिले में कहीं यात्रा कर सकते हैं। अगर नौकरी पेशा है तो आज कोई मन की चीज आप करने वाले हैं। मैरिड लोग जो हैं आज जीवन साथी से, उसकी वजह से कोई छोटा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इसकी वजह से मतभेद भी होने की संभावना है। इस राशि के छात्रों की बात की जाए तो आज के दिन लो फील करेंगे आप, हेल्थ वाइज माइंड वाइज लो फील करने वाले हैं आप। इस राशि की जो हमारी गृहिणियां हैं उनकी बात करें तो आज अपने पसंदीदा कामों को आप करने वाली हैं। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर किसी को सुगंधित चीज जो है गिफ्ट करिए, बहुत अच्छा आपकी लव लाइफ पे इसका असर पड़ेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। हेल्थ आज बेहतर रहेगा, किसी शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। वहीं बात करें फैमिली लाइफ की तो परिवार के प्रति आज अपनी जिम्मेदारियों का आप निर्वाह करेंगे, और अपने बर्ताव में आपको उदार बनना पड़ेगा। बात करें इस राशि के लोगों के जो प्रेमी हैं उनकी, तो आज प्रेम प्रसंग में आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपके प्रियतम को आपके टाइम की जरूरत है। अगर वो आपसे मांग नहीं रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि जो चीज़ें वो बता नहीं रहे आप वो अंडरस्टैंड कीजिए, और उसके बाद अपने रिश्ते में एक बदलाव लेकर आइए। इस राशि के जो जॉब करने वाले लोग हैं आज के दिन काम में आनंद आएगा। वहीं जो कारोबार से जुड़े हैं आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। किसी से डील करना चाहते थे तो एक्सपर्ट की राय लेके वो डील कर सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने की योजनाएं आज पूरी हो सकती हैं। वहीं जो लोग मैरिड हैं आज किसी बात की चिंता सता सकती है। इस राशि के जो हमारे छात्र हैं आज अनुशासित रहने की आपको बेहद जरूरत है। आज अपनी शर्म को हटाकर खुलकर अपनी परेशानियां घर वालों से, घर के बड़ों से, गुरुजनों के सामने रखिए, उचित सलाह मिलेगी। जो गृहिणियां इस राशि की, आज अचानक से कोई काम आन पड़ेगा जिसे थोड़े समय के लिए आप परेशान हो जाएंगी। शुभ अंक है आपके लिए 6, शुभ रंग है पारदर्शी गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज सफेद रंग की कोई चीज किसी को भेंट में दीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। आज के दिन सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा, किसी भी ऐसी चीज का सेवन ना करें जिसका असर विपरीत पड़ेगा आपकी सेहत पर, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसों की बात करें तो व्यर्थ में पैसे खर्च मत कीजिए, आज हो सकता है व्यर्थ में पैसे आप खर्च करने के मूड में हो तो सोच समझ कर पैसा खर्चा करना है। पारिवारिक जीवन में घर में किसी सदस्य का आगमन होने वाला है, खुशी उत्साह, लेकिन घर के किसी बड़े की सेहत को लेकर आज आप थोड़े तनाव में रह सकते हैं।
छोटे भाई बहन भी आज आपकी हेल्प करेंगे। इस राशि के प्रेमियों की बात की जाए तो आज के दिन शक आप दोनों के रिश्ते में बढ़ सकता है। जो लोग जॉब करते हैं अच्छे काम की प्रशंसा होगी। वहीं इस राशि के जो व्यापारी हैं उनकी बात कर ली जाए तो आज के दिन सतर्कता बरतें अपने काम में। नए बिजनेस की शुरुआत करने वालों के लिए आज का दिन चुनौती भरा रहेगा। किसी भी निवेश को करने से पहले सोच समझ लीजिएगा। बात करें मैरिड लोगों की तो जीवन साथी को जो है आज वो ज्यादा वैल्यू नहीं देगा आपकी बातों को, ज्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, अकेलापन आप पर हावी होगा। जो हमारे छात्र हैं इस राशि के उनकी बात की जाए तो आज मन पढ़ाई से ज्यादा अन्य कामों की तरफ रहेगा। वहीं जो गृहिणियां हैं आज का दिन बेहतर हो सकता है। आज आप अपने घर वालों पर बहुत ध्यान देंगी, उनकी छोटी छोटी जरूरतों पर बहुत ध्यान देंगी। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि आज का दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। आज से नवरात्रि की शुरुआत है। पहले हम घट स्थापना करेंगे आज, और उसके बाद हम शैलपुत्री की पूजा करेंगे। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की जो है अर्धांगिनी सती और दक्ष की पुत्री थी। एक बार जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन कराया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। उधर सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिवजी ने उनसे कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो वहां उन्हें भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव देखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे, इससे सती के मन में बहुत पीड़ा हुई। सती अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि में खुद को जलाकर भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर यही सती अगले जन्म में शैल राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैल पुत्री कहलाई। हिमालय के राजा का नाम हिमावत था और इसीलिए देवी को हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ की सवारी वृष है तो उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो माँ शैल पुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं, इसीलिए उनकी उपासना से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाते हैं। ओम देवी शैल पुत्रे नमः, जरूर आज इस मंत्र का उच्चारण करें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर जो है हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि अभी नवरात्रि की शुरुआत हुई है। हर दिन दैनिक राशिफल में शाम को 5 बजे मैं लेकर आती हूँ, उसमें मैं आपको दैनिक राशिफल के साथ साथ हर दिन कौन से रंग का इस्तेमाल, जैसे आज पीले रंग का इस्तेमाल करना है प्रथम दिन पे, द्वितीय दिन पे कौन सा करना है, सारे दिन की जानकारी मैं आपको आगे देते रहूंगी। तो नवरात्रि विशेष ये कुछ दिन वीडियोस चलेंगे, हर दिन हम आपके सवाल को शामिल ना करके हम आपको उस दिन के बारे में बताएंगे खास बातें। बाकी आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी माँ दुर्गा से यही कामना रहेगी कि आपके सभी दुखों को हर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। हर शाम 5 बजे मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगी वीडियो लेकर, जिसमें दूंगी आपको हर दिन की खास जानकारियां। जिन लोगों का आज जन्मदिन होगा या कोई खास दिन है उनको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए सुशीष टीवी। जय माँ दुर्गा। For regular updates, follow our Instagram page right now.